इस कार्यक्रम में शरीक होके हमें एक आनंद भी हुआ और दूसरी तरफ एक दुख भी हो रहा है। आनंद इस बात का है कि आप अपना अपना घर परिवार छोड़ के अपने घर परिवार के लिए, बीवी बच्चे के लिए यहां गुजरात में मजदूरी करने आए हो, और खुशी इस बात की है कि आज आप अपना जो कामकाज है उस कामकाज को छोड़कर हमारा संदेश आप तक मिला कि हम राजस्थान से आ रहे हैं यहां मिलने के लिए, और आपने अपना कामकाज छोड़कर आज यहां पर आए, इसके लिए हमें खुशी है। और एक बार आप खुद के लिए तालियां बजा दीजिए। आज हमारा यहां पर आना और आपका यहां सम्मिलित होना, हमारा इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, हमारे पूर्व वक्ताओं द्वारा और यहां पर जो लिखा हुआ है आशा भील की धरती, हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी आशा भील के बारे में अपना इतिहास बताया। हम कहते हैं आदो आदना धनी मूल दुड़ना धनी, और आशा भील में जो इतिहास है, यहां के राजा हुआ करते थे, और आज परिस्थिति ये है कि हमारी जगह बल्ले परमिशन बल्ले तपड़ पड़े, और परमिशन भी लगभग ₹30,000 हालिम परमिशन ली पड़ी, ये स्थिति बन गई। हमारा इतिहास एक गौरवशाली इतिहास रहा है, हमारा इतिहास एक साहसी इतिहास रहा है, लेकिन धीरे 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 ये इतिहास भी खत्म होने लग गया, और हमारा गौरव हमारा साहस और हमारी पहचान धीरे धीरे खत्म होने लग गई। और हम इस देश के मालिक ना, हम इस देश के मालिक है ये कहते हैं हम, और सुप्रीम कोर्ट भी कहता है, लेकिन धीरे 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 हम एक मजदूर बन गए आज, और मजदूर भी लाचार मजदूर बनने की कंगार पे धीरे धीरे हमारा समाज जा रहा है। आज मैं जिस विचारधारा से विधायक बना हूं उस विचारधारा का उद्देश्य है, और मैं आज प्राण लेके जाऊंगा, और हमारे जितने जो साथी हैं जो इस विचारधारा की अग्रिम पंक्ति में काम करते हैं, हम सब प्राण लेके जाएंगे कि जो राजस्थान से हमारे यहाँ मजदूरी के लिए लोग आ रहे हैं उनको आने वाले समय में हम कटौती कराएंगे और हमारे राजस्थान के ही रोजगार उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। आज से हम प्रण लेके जा रहे हैं कि हमारे कम से कम लोग यहां आए, हम खुद हमारा वहां रोजगार तैयार करेंगे आने वाले समय के अंदर। पूर्व की सरकारों ने, पूर्व के नेताओं ने हमारे वहां बेरोजगारी और बढ़ाने का काम किया, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारी बेरोजगारी कम हो और यहां पर मजदूरी के लिए बहुत कम आना पड़े, और ये आज हम प्रण लेके जा रहे हैं। मैं आज आपके सामने विधायक हूं, मेरा संघर्ष काफी रहा है, मैंने कई धक्के खाए जीवन में, आज यहां बैठे हुए इनमें कई मेरे दोस्त भी हैं जो मेरे क्लासमेट रहे हुए हैं, कई जने बीए बीएड कर रखी है, लेकिन रोजगार नहीं मिलने के कारण आज गुजरात में मजदूरी करने आना पड़ रहा है। और मैं खुद अहमदाबाद में अविन कड़जा काम की दुए, ये अटली बता रही थी जो कि काम सी है, कोई ऊंचा और नीचा नहीं होता है। मैं भी 10वीं क्लास में पढ़ता था, और तारे दोस्त सब हम लोग अमी विचार की तो अहमदाबाद से पैसा कमावी ना आवा, और अमीन ये कड़जा काम की तो ने एवं मोरे ठेकेदार मिल जाओ तो जोरी रीति भरड़ जी, और पसे लागो न्यार भड़ो पड़े दबावी पास हो। तो जो मैं जिस सिचुएशन में यहाँ पर आए थे, हमारे जो दोस्त आए थे, अगर उस सिचुएशन में कोने भणला या भणता ही या आप जा वही तो सबक ले लीजो
और दबावी तैयारी कर जो अपने नौकरी लगव है आनी बात ध्यान रखो। आज हमारा जो इतिहास रहा है आशा भील का जो इतिहास है, डूंगर बरंडा का इतिहास है, हमारे समाज का जो इतिहास है, एक दानदाता समाज, एक दानदाता अपने पेल पाकतो पाकवा बाद अगर मान लो गौ थे ही तो गौ था बाद अपने हुकड़ी काढ़ी ली तो पहले आते पेला दर्जी नाल हाँ आ ढोली नाल हाँ आ पेला नाल हाँ आ भोरा नाल हाँ बामण नाल हम कर अपने काटता नहीं काटता बाप दादा। तो एक दानदाता समाज, दान तो हट गया और मतलब दानदाता जो समाज, देने वाला समाज आज लेने वाला समाज बन गया। वर्तमान समय में जो चल रहा है उसके जिम्मेदार कांग्रेस बीजेपी या कोई भी पार्टियां रही है मानता हूं मैं, लेकिन कुछ जिम्मेदार हम स्वयं भी हैं। और स्वयं इसलिए हैं कि हम हमारी ताकत को नहीं पहचान रहे, हम लड़ना है ये तो कह रहे हैं लेकिन लड़ना कैसे है और किससे लड़ना है ये नहीं समझ पा रहे हैं। हम हमारी ताकत को नहीं पहचान रहे हैं, हम कह रहे लड़ना है लेकिन लड़ना कैसे है और किससे लड़ना है वो नहीं समझ पा रहे। आज हमारे पूर्व वक्ता कह रहे थे, मेरे लिए तालियां बजाई, कहा कि राजस्थान का एक विधायक ऐसा था कोरोना काल के वक्त रतनपुर बॉर्डर पे खड़ा रहा था, मेरे बारे में बोला, आपने तालियां बजा दी लेकिन मैं खुश नहीं हूं। रतनपुर बॉर्डर पे मैं रुका और मैंने कई जगह गाड़ियों की व्यवस्था कराई, मेरी विधानसभा के लिए भी कराई, अन्य जगह के लिए भी कराई, और उस बात को यहां बताया हमारे पूर्व वक्ता ने, आपने तालियां बजा दी लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूं। और इसलिए नहीं हूं कि आप सबका विजन बड़ा नहीं, आप सबकी सोच बड़ी नहीं है, हमारे भाइयों में सही गलत करने का फैसला नहीं ले पा रहे हैं। मैं खुश इसलिए नहीं हूं कि जी भाई कोरोना काल में गुजरा अहमदाबाद थे के हेणतो हेणतो रतनपुर गियो, राज्य गुजरात सरकार जिम्मेदार, रतनपुर तक की ठेट घेर तक गियो राजस्थान सरकार जिम्मेदार, और इन्हीं सरकारों ने जो विदेश में रह रहा है उसको फ्री में हवाई जहाज में बिठा के यहां लाए और हमको इन सड़कों पे घुमाया। एक किस्सा सुनाऊंगा आपको, रात की 2 बजे दरियावत से एक साथी का फोन आया और कहा कि हमारे दरियावत के लोग हैं और महिला हैं और बच्चे हैं और रतनपुर के आसपास उनको उतार दिया गया है जंगल में और वो खतरा है, रो रहे हैं। और रात को 2 बजे मेरे जो गाड़ी चलाने वाले भाई साहब नहीं थे, मैं खुद गाड़ी चलाई और रास्ते में बाबू भाई करके उनको लेके मैं आया रतनपुर बॉर्डर पे, और इन जंगल में मुझे मिले वो दरियावत वाले, मैंने 3 क्लोजर करा के भेजा। लेकिन फिर भी खुश नहीं हूं मैं, क्यों कि जिनको इतनी तकलीफ पड़ी इस भाई एक बार प्लीज थैली मरतम खुश थाई जाए। 300 किलोमीटर चलना पड़ा, पोटलो मुड़का मत हाव पड़ जो, सोरो काग में हाव पड़ जो, इस सब भूली ने एक बार प्लीज थैली मर ली हम खुश थाई ने आते ही बराबर हम कहीं अटली खुश नहीं हूं। हमें लड़ना है, तलवार या लट लेके नहीं लड़ना है, किसी को गाली देके नहीं लड़ना है, दिमाग से लड़ना है, तरीके से लड़ना है और लोकतांत्रिक प्रणाली से लड़ना है। आपके लिए व्यवस्था सरकारों ने क्यों नहीं कराई, जो विदेश में है उनके लिए हवाई जहाज फ्री में कराए, और हमारे लिए सरकार ने व्यवस्था इसलिए नहीं कराई कि इनको पता है सरकार को कि यही वही लोग हैं जो थैली में पेड़ खजूरों में बिक जाएंगे, इसलिए आपके लिए व्यवस्था नहीं कराई। और बात भी सही है, हम भूल जाएंगे आगे का इतिहास, पुराना इतिहास भूल जाएंगे और थैली मड़ेगी मरसो मेटो मड़ेगी हणा में खुश थाई ने और भाई ने थोड़ो पीवानू खावानू मड़ेगी कहेंगा जेनो खांगा एनो गंगा। लेकिन 300 किलोमीटर पला गदड़ा वजन हिंडजा ये अक्कल नहीं आती है, बुरा लगेगा किसी को। एक भाई आने गुजरात में 10 10 मड़ जा
मकान में जी बिल्डिंग बनी रही चाहिए, टावर बनी रही चाहिए, टेराई ने जान जोखिम में डाल के आज प्लास्टर करे, संतर करे और ये पैसा कमाई ने सुरिन सुरप भी बनावे और जानी सुरिन सोरान आरक्षण जी सरकार खत्म कर रही चाहिए। अमार भाई ये जाइन पासो वे जाइन अनी सरकार ने झंडो लेन फरे, जिसके लिए रात दिन मेहनत कर रहा है जान जोखिम में डाल के, वही बच्चे का भविष्य खत्म करने का जो काम करती है उन्हीं सरकारों को वापस झंडा लेके घूमता है। तो गुनेगार हम है कि नहीं है? हम उनको तो गालियां दे देंगे लेकिन हमारी गलती कहां है? जब तक हमारी गलती को हम स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हमारा और हमारे पीढ़ी का भविष्य का निर्माण नहीं कर पाएंगे। ठान लेना है, मैं आया कई जना सुस्ता वेंगा है, मैंने सब साइट में कर जना आवे, मैं सेल्फी ले लियो, सेल्फी लेना स्टोरी सड़ावी दियो, स्टोरी सड़ावी दियो એટલે મારો ફોલોવર બઢી જેંગા, ये उद्देश्य थे ठेक नहीं? उद्देश्य है, अच्छी बात है, ये भी उद्देश्य रखो लेकिन यही मेन उद्देश्य नहीं है, ये एक मनोरंजन है, एक सीमित समय के लिए हमारी एक यादगार पल के लिए एक समय में हम मिले हैं, आपका और मेरा प्रेम है वो, लेकिन उद्देश्य ये है कि राजकुमार रोत और जो पूर्व वक्ताओं ने जो बात बोली जो हमारे लिए आने वाली पीढ़ी के लिए, उस बात को उतार देना है, ये मेन उद्देश्य है। हमें करना क्या है? आज दुख होता है, एक बार होली दिवाली आवे એટલે પેલા દુકાન વાળા હેતા ખુશ થઈ જી, કઈ એક બાર સીઝન આવી ગઈ એમ કે અણન સોરન બૈરન કે ભણતવે ફરતવે હેતન હાદી કે લાઈન સર બેવડા વિધિ, કઈ કપડો લઈને બેહે, કઈ ભડા કો લઈને બેહે, કઈ ગુલાબ લગુન લઈને બેહે, કઈ પેલો લઈને બેહે, ઓર અમાર ભાઈ આવે માર ફટ ટાઈમ ઉસ નહીં હે, ફટાફટ 10 દર વાળી હાડી કાઢો, 5 દર વાળી હાડી કાઢો, કોઈ મૂલ નહીં કરાડી, હું કઈ 5 દર વાળી કાઢો, 2 દર વાળી કાઢો, या रात दिन पसीना। मैंने मजदूरी की है, मुझे पता है 8 बजे लगते थे, हाजे 5 हरते बजे एक एक घंटो एक एक दाड़ा जो लागे, जो शुरुआत में मजदूरी करेंगे इन्हें एक एक घंटो एक दाड़ा जो जो लागे और अटली तकलीफ थे कि तमें पैसा कमो ने वे फटाफट फटाफट आल दियो पासा आवे और तरण बड़ा बल्ले मोबाइल विसी ना वो ई बुद्धि कौन आले है, ये बुद्धि कौन देगा? आवे એટલે દીસી કોણ? આપણે તો બિયર પીએંગે, તમે ઉભા રહો લટ રવાનો હવે તમે રાજસ્થાન મે જટલા સે દેસી દારૂ ના યા ઇંગ્લિશ દારૂ ના ઠેકા મે ઓલી દિવાળી આપતમ મે અણા મે ડી માલ જારી થઈ જાય ફટાફટ, કઈ અમદાવાદ વાળા ભાઈ આવેંગા ફટાફટ ઓલ ને ઓલ માંગેંગા, એમ કરીને ડુપ્લિકેટ તૈયાર થઈ જાય। કબ સુધરેંગે હમ? जब तक हमारी कमजोरी हमारी गलती को हम स्वीकार नहीं करेंगे हम देश के मालिक नहीं बन सकते, नारों में बन जाएंगे, कागजों में बन जाएंगे पर वास्तविक नहीं बन पाएंगे। वर्तमान में सरकार ऐसी पॉलिसी लागू कर रही है, हम हमारी गलती को स्वीकार करना है हमको, लेकिन सरकार ऐसा चाहती है कि ये लोग इस देश का जो गरीब तबका है, आदिवासी है, माइनॉरिटी है, एससी है, हमको सिर्फ पेट भरे, पेट भरने के लिए सोचे सोचने के काबिल बनाना चाहती। मेरी बात को गौर से सुनना कि ये लोग ऐसा चाहते हैं कि ये लोग तो सिर्फ पेट भरवा बल्ले जीवी और पेट हरते भरवो अटलो सोची उस काबिल बना रही है हम लोगों को। स्वाभिमान से कैसे जीना है, हक अधिकार की लड़ाई कैसे लड़नी है, ये भूल जाएंगे आने वाले समय में। पेट कैसे भरना है उसी के लिए हमारे लोग सोच पाएंगे, ऐसी पॉलिसी वर्तमान की जो सरकारें हैं वो ला रही है और हम भी उसी के अनुरूप काम कर रहे हैं। मैं बता दू 300 किलोमीटर पैदल हिंडू पड़ जू भूली गया ने पहली थैली मर ली जो 5 दाड़ा तक सालवा नो है आना में हेता काम था ही जाएगा। बातें बहुत सारी हैं, मैं यहां पर एक विशेष कहना चाहूंगा, हमारे आप तो यहां मजदूरी कर रहे हो, हमारे गांव के गांव बर्बाद हो रहे हैं, वहां गांव गांव बर्बाद हो रहे हैं, परिवार बदबार हो रहा है अपना। माइक्रो फाइनेंस आवी क्यों, कई फाइनेंस आवी क्यों है,
माइक्रो फाइनेंस आज तक के सब कह दीजो अगर तुम्हारी बहरी वे तो माइक्रो फाइनेंस में के किस्त लिए निकिम कह दीजो। आपने सुना मेरी बात, अपने अपने घर वालों को कह देना कि माइक्रो फाइनेंस वाले में नहीं फंसे। क्या हो रहा है, वो परिवार बर्बाद हो रहा है, आदमी या मजदूरी कर करके मर रहा है। एक आदमी दो से तीन किस्से मेरे पास आए, एक आदमी आया के मु फांसी खावा करतो तो पण एक पूरा एमएलए साहब फांस जाई आऊ थोड़ी मदद ले आऊ। इनके तो इने गेरवाल जी 20,000 नो लोन ली दू तू माइक्रो फाइनेंस वाला भाई और पहले इन्हें किस्त माते किस्त किस्त माते किस्त किस्त माते किस्त आने इन्हें लकी मिल जी टोटल आने 55,000 ने किस्त भर जी और 100,000 अजू मांगे। इनके तो अमार बाजी ने खबर पड़े नहीं लोन ने गणित किम नहीं है, ब्याज ने गणित किम नहीं है। चलो एक हाथी 20,000 रुपया 25,000 40,000 रुपया आला ही देखा है लेकिन पासा भराकटला पड़ी ही नहीं देखा तू। वो सीमित फायदा है, सीमित समय के लिए खुशी दे रहा है लेकिन वो हमारा परिवार बर्बाद हो रहा है, वो घर बर्बाद हो रहा है। तमार घेरवाली कणी तमन तो इमने कहवा दिए तमार आई बापा थे कि मतलब इन्हें हाहू हा रहा था कि नहीं भी है लेकिन माइक्रो फाइनेंस वाला अब तुम कुटिम फेंक जाए। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कई किस्से थे ऐसे माइक्रो फाइनेंस वाला आवे एटली ना ही जाए हपी जाए कुटिम फेंक जाए। और तम थे कि तुम्हारा आई बापा थे कि मतलब इन्हें हाहू हा रहा था कि नहीं भी है थी। तो ये परिवार ये घर बर्बाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था संभालनी पड़ेगी। अर्थव्यवस्था हमें कमा कटलो हन हमें खर्चो कटलो करा हाना माते विशेष ध्यान दियो पड़ेगा। बेफिजूल खर्चो कपड़ा वाहे दारू वाहे नशा पत्ती वाहे आपको खर्चा नहीं करना पड़ेगा। और ये करता रहेंगे हम नारे लगा देंगे कि हमें देश ना मालिक हा तमे हा हा करी नाखो सब थाई जाने अबा वाली पीढ़ी मटी जाए। आज यहां पर गुजरात के अंदर में पिछली बार आया एक भाई कह रहा था, आगे वाला तो मेरे को याद नहीं रहा लेकिन पीछे वाली एक लाइन याद रही कि समाज को चमचों से दूर रखना है, समाज को चमचों से दूर रखना है। हर बार देखा है मैंने यहां पर भी होंगे कनेक मुकैया वही जाजो हो बात करी हमली अवजन करी वही वो जंगल कहते हैं कि जंगल कैसे कटता है, जब तक जंगल की लकड़ी उस लोहे के कुल्हाड़ी में नहीं घुसेगी तब तक जंगल नहीं कटता है। और यही इतिहास उठा के देख लो हमारे समाज का, हमारे पतन तभी हुआ है कि हमारे समाज के कुछ लोगों ने दलाली करने का काम किया। अभी मानगढ़ का जिक्र हुआ था, मानगढ़ के अंदर देखो 1500 आदिवासी मारे गए लेकिन उसकी मुखबरी करने का काम भी कुछ दलाल आदिवासियों ने किया था। राजा डूंगर बरंडा का इतिहास उठा के देख लो, राजा डूंगर बरंडा के इतिहास को मार राजा डूंगर बरंडा को मारा उसकी भी चमचागिरी कुछ लोगों ने की थी। हर जगह ये हो रहा है, यहां पर भी पॉलिटिक्स होती है कई प्रकार की। कई जने कह रहे थे अभी चुनाव आवेगा, मैं तो कहता हूं कि आपको वोट देने आना है हम एक रुपया भी नहीं देंगे, नहीं देंगे हम दूसरे पैसा पैसा आलेंगे कांग्रेस बीजेपी वाला अभी नहीं आलेंगे। हम आपको उस काबिल बनाएंगे, हम आपके बच्चे के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आपके आने वाली पीढ़ी को आत्मनिर्भर बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम दोगली राजनीतिक किराए वाली राजनीतिक नहीं कर रहे हैं। और मैं आपको कहता हूं आपको ताकतवर बनना है और हम इसमें योगदान देंगे। चुनाव के समय 3 से 4 दिन पहले निकल जाना है। पिछली बार आसपुर का हुआ था पतोपड़ जो भी थे कि अभी गाड़ी बंद था ही थी, आधी गाड़िया बंद हो गई और किराया बढ़ा दिया गया। ये जो जंग है ये चुनाव में ही है इस बार राजस्थान का, और वो आप पे निर्भर करेगा कि आप कैसे करते हो। एक दाड़ो पहन ने एक दाड़ो खाई 5 साल तक रकड़ वो है यहां पर से एक दाड़ो
आपने खुद नो खर्चो करी ने आबा वाली पीढ़ी ने रक्षा करनी है वो आप तय कर लेना। हम समाज को मजबूत बनाना चाह रहे हैं, ये लोग परजीवी बनाना चाहते हैं, आएंगे बहुत खर्चा करेंगे, लई जिंगा पाइन 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 उधर वाली देंगा। हमको इस काबिल नहीं बनना है। मैं सारे भाइयों को कहना चाहूंगा, आप मजदूरी कर रहे हो, आप कमजोर नहीं हो, लेकिन आप ये ठान लो कि मैं आज मजदूरी कर रहा हूं लेकिन मेरे बच्चे को इस काबिल बनाना है कि उसको मजदूरी नहीं करनी पड़े, ये ठान के जाना है। हर व्यक्ति हर परिवार ये ठान ले, ये जीवन में परिवर्तन होता रहता है। मैंने कई देखे, कई बड़े अधिकारियों के लोग, कई बड़े अधिकारियों के बच्चे मजदूरी करते हैं और कई मजदूरों के बच्चे आईएएस आरएएस भी बनते हैं। कई मजदूर ठेला चलाने वाले के गेरगाटी में काम करवा वाले बच्चे अधिकारी बनते हैं और कई अधिकारियों के बच्चे वापस ठेला चलाने का भी काम करते हैं। इसलिए आप ठान के जाना है कि मैं मजदूरी कर रहा हूं लेकिन मेरे बच्चे को इस काबिल बनाना है कि वो अधिकारी कर्मचारी बड़ा नेता बड़ा लीडर बने, इस काबिल बनाने का काम कर। परिवहन की बात हो रही थी, उमेश भाई ने रखी है, यहाँ पर जितने जो इको वाले भाई आ रहे हैं, जितने जो प्राइवेट क्रूजर वाले भाई आ रहे हैं, वो सभी संपर्क में रहे उनसे, उनके साथ भी कई बार यहाँ अत्याचार होता है सुनने में आया है। मैं पिछली बार भी आया था लेकिन यहाँ के जो ये जो उगवाई करने वाले आगे वाले जो लोग हैं उन्होंने बनवासी की थी, आज खुल्लो कह रही थी। मैंने कहा था सारे जो ड्राइवर है उनकी लिस्ट बनाओ, गेरकाटी वाले लिस्ट बनाओ, कड़िया काम वाले लिस्ट बनाओ, ऑटो रिक्शा वालों की लिस्ट बनाओ, एक यूनियन बनाएंगे हम। किसी भी ड्राइवर पे कहीं आपत्ति आई तो सारी यूनियन आके खड़ी रहेगी और हम लोग भी मदद करेंगे, ये काम करना है। लेकिन करे कौन है, वकरा ही रह जाएंगे, है तो नेता बनवो है बहुत जल्दी। और आने वाले समय में हमारी पहली प्रायोरिटी ये रहेगी कि वहां से यहाँ रोजगार के लिए नहीं आना पड़े, लेकिन एक प्रायोरिटी जब तक ये नहीं होता है तब तक ये भी रहेगी कि आने वाले समय में अहमदाबाद के हर शहर के अंदर छोटे छोटे एरिया में हमारी ऑफिस रहेगी, किसी को कोई भी समस्या आएगी उस ऑफिस पे रजिस्ट्रेशन होगा, जो भी व्यक्ति आएगा ऑफिस पे रजिस्ट्रेशन कराएगा। और हमको एक एक चीज ध्यान में रखनी है कि हमारा कौन सा आदमी किस जगह नौकरी कर रहा है उससे अपडेट रहना है, ऐसा एक सिस्टम बनाएंगे हम लोग। कई बार होता है हम पे फोन आते हैं, कहते हैं मेरे साहब दस जड़ा काम कर जो मन पैसा नहीं आते कूटी हर फरे दौड़ी नहीं आवेगा भाई कोड़े नहीं आवेगा, लेकिन हमारी यूनियन बनाएंगे। कई बार होता है आदमी काम करता है कुछ छोटी मोटी गलती को लेके उसका उल्टा इंजाम डाला जाता है, चोरी कर दी उसने यू करके, पुलिस से मारपीट भी कराई जाती है उल्टा, उस बेचारे ने कुछ नहीं किया है लेकिन तनखा सड़ी की है चार पांच महीने नहीं, तनखा नहीं आलवी आना बहाने पेलान हाथी मारपीट भी था। कई केसेस ऐसे आए हैं या मजदूरी कर रहा आदमी वो मर गया है, कोई हादसा हो गया है, उस समय भी हमारी यूनियन काम करेगी। और यह गुजरात गवर्नमेंट से भी आने वाले समय में हम मांग करेंगे कि जितने हमारे जो प्रवासी लोग आ रहे हैं, गुजरात को देश में जो फेमस बनाया है, अगर राजस्थान का आदिवासी और इस एरिया का आदिवासी नहीं होता तो ये गुजरात की बड़ी बड़ी बिल्डिंगे नहीं बनती। इंजीनियर भले आपके होंगे लेकिन उस इंजीनियर से भी डबल इंजीनियर हमारे वहां के कारीगर है और इन कारीगरों ने काम किया, ये डबल इंजीनियर इसलिए बनी हुई है। तो इसके फलस्वरूप हमको मिलना चाहिए, यहाँ पर एक प्रवासियों के लिए स्कूल खोलनी चाहिए। गुजरात गवर्नमेंट से मांग करनी है कि प्रवासी मतलब राजस्थान डूंगरपुर बांसवाड़ा या ये जालौद वाले इलाके से जितने जो मजदूर आ रहे हैं उन मजदूरों के बच्चे को पढ़ाने के लिए एक प्रवासी के नाम से विद्यालय यहाँ पर खुलना चाहिए और एक हॉस्टल भी यहाँ खुलना चाहिए। गुजरात गवर्नमेंट से आने वाले समय में हम ये करवाने की कोशिश करेंगे। एक प्रवासियों के लिए कई बार होता है प्राइवेट हॉस्पिटलों में लूटा जाता है, जितने जो लेबर वर्क है जितने जो मजदूर वर्ग है उनके लिए एक अच्छा हॉस्पिटल या गुजरात के अंदर भी खुले और जो लेबर है या रजिस्ट्रेशन हुआ है यूनियन के थ्रू वो जाएगा, आइडेंटिटी मिलेगी उसकी, परिचय पत्र मिलेगा और उसको निःशुल्क इलाज हो ऐसा प्रावधान कराने की भी हम आने वाले समय में मांग करेंगे। आपकी ताकत को पहचानो, जब तक ताकत को नहीं पहचानोगे कोई नहीं काटेगा।
फर्जी अमर भाई ने काम करी अगर एक दौड़ ठाणी ली दो क्या आज गुजरात बंद करवू है त्यारदा गुजरात ने गेरम गाड़जी उभी रही जी अर्धा गुजरात में सूला लगवा बंद थाई जी अर्ध गुजरात में गेरम कसरन कीड़ा थाई जी अर्ध गुजरात में आ कपड़न थाड़जी ने वाड़जी सब पमलती थाई जी थाई नहीं थे परिकार थेगा आपने यूनियन वेगा आपने संगठन वेगा हम हमारी ताकत बनाएंगे लेकिन उस ताकत का कभी दुरुपयोग नहीं करेंगे उस ताकत का इस्तेमाल हम शिक्षा के लिए स्कूल खोलने के लिए मांग को लेके करेंगे स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा खोलने की मांग को लेके करेंगे और हमारे किसी भी भाई के साथ अत्याचार अन्याय हुआ हमारी भी किसी भी बहन बेटी के साथ कोई घटनाक्रम अनहोनी घटनाक्रम हुआ तो उस समय गुजरात बंद रहेगा ये काम करना है हमको आने वाले समय इनके बिना हम अधूरे हैं कई कहते हैं ये लेकिन हमारे बिना ये भी अधूरे हैं हम ये बात को लेके आधार बन के हम गलत उपयोग में नहीं लेंगे लेकिन मजदूरी जरूर कर रहा मेरा भाई थैला जरूर उठा रहा है लेकिन इसका स्वाभिमान नहीं गिरना चाहिए ये काम करना है हम स्वाभिमान सबसे बड़ा चीज है आपका सेठ होगा वो भी कहीं कहीं मजदूरी कर रहा होगा भले बड़ी फैक्ट्री में कर रहा होगा अधिकारी होगा वो भी एक कार्य है काम कोई छोटा मोटा नहीं होता है हमारा स्वाभिमान एक ठान लेना है हमारे स्वाभिमान की लड़ाई लड़नी है भले 100 रुपए की नौकरी कर रहे हो या 500 रुपए की नौकरी कर रहे हो लेकिन अपना स्वाभिमान गिरने मत देना इस देश के परिस्थिति ऐसी बन गई आजादी के बाद कि हमको इस लेवल में ले आए बाकी ना देश ना मूल धूल धनी अपड़े हैं और इसको वापस बनाने के लिए एक दो दिन में नहीं होगा हमको खुद को सुधरना पड़ेगा हमारी एकता बनानी पड़ेगी हमको एकजुट रहना पड़ेगा और एकजुट रहेंगे तो आने वाले समय में बहुत कुछ होगा और जितने भी जो भाई है इन सारे भाइयों को एक बात उठी थी अभी और ये जो कार्यक्रम हो रहा है उस कार्यक्रम के लिए मेरी ओर से भी मैं 10,000 रुपए सहयोग राशि देना चाहूंगा और किसी भी प्रकार की और भी कमी रहेगी तो हम भी आने वाले समय में या अभी भी हम और मदद करेंगे दूसरा ये बार एक बात आती थी कि आना बार हम नहीं बोलवो आना बार हम नहीं बोलवो बात सही है क्योंकि जो परमिशन लेने वाले जो साथी है उन्होंने बड़ी मशक्कत से ये परमिशन ली है लेकिन एक उदाहरण ने माध्यम से कि कही दूंगा तुम्हारे उद्देश्य पूरा थाई जाएगा और मारे उद्देश्य पूरा थाई जाएगा एक बार गुजरात ना बे बाबा था ई यूपी अंदर पेलो अपने पाठ करवा गया था अने बात ने हमल जो गुजरात ना बे बाबा था ई यूपी में पेलो यज्ञ करवा गया था मोटो यज्ञ अब ट्रेन थे की गया था तभी उतर जा उतरवा बाद खोड़ता खोड़ता गया और मोरी रस्तों की मलियो नहीं तो एक छोटा सा बच्चा मिला रास्ते में और अने बे भाभी पूछो कि फलने गांव में जाना है तो रास्ता किधर से जाएगा तो बच्चे ने कहा कि अणी गलीम जवानो विथ के एम जवानो विथ के जमणे फरे फरी ने सीधू जवानो तो बाबा को समझ में नहीं आया बाबा ने फिर पूछा कि हमको वहां जाने के लिए रास्ता कौन सा सही रहेगा सही सही बता तो बच्चे ने कहा अनाहड़ थे कि जमणे फेड़े फरवानो बेहो डावे जावानो बेथे कि सीधे जावानो फेर जमणे जावानो बाबा को फिर समझ में नहीं आया तो बाबा ने कहा कि तू चल ने हमको रास्ता बता दे मैं तेरे को चॉकलेट दूंगा तो फिर बच्चा साथ में चला रास्ता बताने के लिए बताने जाते जाते बच्चे ने पूछा आप कहां से हो उन्होंने कहा गुजरात से हूं और फिर बच्चे ने पूछा तो आप यहां पर क्या करने आए हो तो उन्होंने कहा हम यज्ञ करने आए हैं तो सूर्य खबर पड़जो ने सूर्य पूछो यज्ञ में हो था लोग आएंगे फिर उन्होंने पूछा आप क्या करोगे तो उन लोगों को हम स्वर्ग का रास्ता बताएंगे इनके जुबाबे तो बच्चा फिर जोर जोर से हंसा और रुक गया फिर बाबा को पूछ बाबा को लगा ये बच्चा क्यों हंस रहा है बच्चे को पूछा क्यों हंस रहा है तो सूर्य जोर जोर से हंसने लगा फिर बाबा ने कहा रुक तू बता हंस क्यों रहा है
तो फिर बच्चा ने कहा, जिसको खुद का रास्ता नहीं पता है वो क्या स्वर्ग का रास्ता बताए।